दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज अब्दुल्ला भी मेरे साथ है, वो अभी भाग गया है। तो आज मैं आपको दो सरप्राइज़ भी दिखाऊंगा और मैं एक इंजेक्शन भी लाया हूँ। हाँ जी, ये देखें, एक इंजेक्शन भी लाया हूँ बिना सुई के, क्योंकि हमारे कुछ टिल्ले बीमार हो जाते तो उनके लिए लाया हूँ। तो आपको दो मैं सरप्राइज़ भी दिखाने थे, तो अभी वो भी आज मैं आपको दिखाऊँगा, तो आज हम भी दिखाते हैं। पहला सरप्राइज़ ये है आपको मेरी तरफ से, ये कि दोस्तों, ये मेरे बाबा ने जो है ना मुझे चिक्स ला कर दिए हैं, चार चार चिक्स। तो ये रखें, ये अभी सारे अंदर बैठे हुए हैं और इनमें से जो है ना दो गंजे भी हैं, एक क्या कहते हैं ये वाला, ये जो कलरफुल है, और एक ये ब्राउन जो थोड़ा सा ढीला सा है, और बाकी सेम ही हैं दो, वो गंजे नहीं हैं। तो दोस्तों, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, अब हमारे पास चूजे आ गए और अब हम इनको भी बड़ा करके शौक पूरा करेंगे अपना, फिर और लेकर आएंगे। तो आ जाओ दोस्तों, भी आपको बाकी परिंदे दिखाते हैं अपने, आ जाओ हम बाकी परिंदे दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आ गए हूँ अपने, तो आपको ना पहले मैं एक सरप्राइज दिखाता हूँ। आज सरप्राइज ये आपको बताएगा, एक हमारी ये वाली तोती थी, तो हम उसके साथ का जो है ना एक ब्लू कलर का तोता भी ले आए हैं। और माशाल्लाह से दोस्तों, ये तोता बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये देखें प्योर ब्लू है। और अब हम ये देखें दोस्तों, इधर है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा हमारा मेल है, ये देखें इसकी चूंज ब्लू है। तो अब हमारे पास ब्लू बच्चे आया करेंगे, तो मैं इनके लिए स्टिक भी लाया, क्योंकि ये उड़ते रहते हैं, ये बैठते नहीं है कहीं पर, तो इनकी ये वाली स्टिक जो है वो भी हम लगा देते हैं इधर। तो देखिए दोस्तों, हमारी फीमेल आ गई, अब मेल भी आकर बैठ जाएगा, ये देखें। और दोस्तों, ये आज ही लाया, पता नहीं कब इनका जोड़ा पेड़ लगेगा। तो अभी मैं आपको बाकी परिंदे दिखाता हूँ अपने, ये तो खुशखबरी है, और इनके पास पानी, हाँ पानी भी है, दाना भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। तो इनको बाय बाय करते हैं और बाकी परिंदे दिखाते हैं। मैंने मजनू ले ला, अब जो है ना दोस्तों, सर्दियां शहर से आने लगी हैं, और ये देखिए हमारी लैला बाहर आ गई है, ये देखें माशाल्लाह, और इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखें खाली बस बूढ़ा ही पड़ा हुआ सारा। तो पता नहीं कब लैला अंडे देगी, लैला हमसे डरती है पर मजनू नहीं हमारे से डरता। ये मैंने इस तरह से बंद कर दिया, तो लैला भी अंदर चले जाएगी, और ये पहले उड़ के जाया करती थी ना, अब ये आराम आराम से चले जाती है। दोस्तों, मजनू हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और दोस्तों मैंने इनका दाना जो है ना वो भी मिक्स करके इधर रखा हुआ है। तो इसमें जो है ना एक नया किस्म का दाना है, तो वो अंकल गए थे, काफ़ी शौक से खाते हैं। तो अब्दुल्ला ये खोलो, तो इनको ये डाल देते हैं। तो पानी मजनू के पास साफ सुथरा पड़ा हुआ है, तो इन्हें डालेंगे। मजनू ये देखें दोस्तों, बाइट करने की कोशिश कर रहा है, ये देखें अब्दुल्ला पीछे हो जाओ, वो काट लेगा। दोस्तों अब ये अंडे भी जल्दी दे देंगे, फिर इनके बच्चे हम नीचे लेकर आकर हैंड टेम करेंगे। तो अभी मैं आपको दूसरे तोते दिखाता हूँ, हमारे टेंगो मैंगो। और दोस्तों हमारा टेंगो जो है ना वो मेल है, ये देखें, ये देखें इसकी गानी बस थोड़ी सी रह गई, फिर इसकी प्रॉपर आ जाएगी। और इस फीमेल का भी हमने एक मेल लाना है, और इसके लिए एक येलो कलर की फीमेल लाएंगे, तो अभी हम आपको दिखाएंगे नहीं। तो ये अभी फ़िलहाल इधर ही है अपनी तोती के साथ, नकली तोती। तो दोस्तों अभी मच्छरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं हमारे टैंगो, तो दोस्तों इसे भी हम में आ गए खोल के ऊपर चलते। माशाल्लाह दोस्तों, कितनी ज़्यादा चिड़िया आकर इधर बैठी हुई थी। मैं इधर दोस्तों रोज़ बाजरा या फिर रोटी इस साइड में रखता हूँ, इसी वजह से ये रोज़ हमारे घर आती हैं। तो अंकल आकर ना ये देखें, ये कितना घूम रहा है, बाजरा खिला रहा हुआ है।
तो ये सारा अभी हम खाएंगे सारे परिंदे। देखे दोस्तों कितना ज़्यादा दाना साफ सुथरा। तो अभी सारे परिंदों को हम खोल लेते हैं। आज अब्दुल्ला चैट रहे या नाट रहे, अब्दुल्ला इधर आ जाओ मैं मारूंगा आपको। और दोस्तों उधर भी एक खुशखबरी है पौधों वाली साइड में, वो भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने छोटू गैंग को खोलते हैं। देखो दोस्तों सारे एकदम ठीक है, किसी की कोई टांग वगैरह नहीं टूटी। देखें सारे एकदम भाग रहे हैं चिल्ल होकर। देखिए दोस्तों, और ये कौवे जो है ना हर रोज़ हमारे घर रोटियाँ सूखी फेंक जाते हैं, जिनको हमारे परिंदे बड़े शौक से खाते रहते हैं। तो ओ इनके घर भी बहुत ज़्यादा गंदा सा पड़ा हुआ है, बड़ा पड़ा। तो आज इन सब के खुटों की सफाई करेंगे। छत इस साइड से हमारी साफ़ है, पर फिर भी हम साफ करेंगे ज़रूर। तो दोस्तों पहले हमें ये इंजेक्शन जो है इसको देते हैं इस टोकरी में, कि अभी हमारे इसका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले छोटू गैंग का हम उठाते हैं पानी। तो पानी को इधर ले जाकर इस तरह से पहले कर देते हैं हम लोग। ये सारा गंद निकला है दोस्तों। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक हाथ से काम करना और एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसको जो है ना इस तरह करके उल्टा देते हैं, और इसको इस तरह थोड़ा सा पानी भर के इस तरह से अंगूठा अपना मारता चलो। नीचे से भी साफ कर देते हैं, साफ सुथरा कर देंगे छोटू गैंग का बर्तन। तभी इसमें भी पानी भरते हैं, इनका पानी भर के सीधा कर दिया, क्योंकि दोस्तों मेरे से हो नहीं रहा था, तो मेरे से गिर ही जा रहा था बार बार। तो मैंने इस बार फिल करके कैमरा बंद करके कर लिया। देखिए एकदम साफ सुथरा इनका बर्तन है। तो अभी हम इसको रखते हैं एकदम मिडल में। तो इनके पास दाना अच्छा खासा है। देखिए दोस्तों नीचे भी हल्का हल्का अनाज गिरा हुआ है, और एक कनाली के अंदर भी है। तो ये लोग ज़ाया बड़ा करते हुए, देखिए उधर खेल रहे हैं। अब्दुल्ला ना करो, और डंडे से उन्हें डरा रहा है। तो दोस्तों इनका भी हम सफाई नहीं करेंगे जब तक ये अपना सारा दाना नहीं खाते। तो इन्हें फिलहाल खुला रहने देते हैं। देखिए मेरे पास आते आ, 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 आ। अभी देखेगा दोस्तों रोटियाँ, ये बाज रहा है, ये रोटियाँ समझ के मेरे पास आ रहा है। जाओ उधर जाकर खेलो, जाओ जाओ। अब्दुल्ला इन उस साइड में नहीं जाने देना दोस्तों, उधर भी खुशी कभी आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों ये रहे हमारे खुमड़े। तो दोस्तों इनके पास पानी भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, और ये वाला इनका पानी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये मैंने इनके नहाने के लिए रखा है। क्योंकि दोस्तों धूप उधर से निकलता है और हमारे खुमड़ों पर डायरेक्ट पड़ता है। तो इनके पास दाना भी पड़ा हुआ है, और पानी भी इनके पास है। दो दो बर्तन हैं, एक में नहाते हैं एक में पीते हैं। तो अपने तो इन्होंने अंडे देने नहीं है, स्टील प्लास्टिक के अंडे पे इन्होंने बैठना ज़रूर। और एक ये भी फीमेल है, तुमने क्यों नहीं अंडे दिए अभी तक? और ये तो ऐसी बेचारी अंडे में हमारी, सबसे मैं खोला नहीं करूँगा ताकि ये भी अंडे देना शुरू हो जाए। तो अभी ना मैं आपको सील मुर्गियाँ दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहे हमारी सील मुर्गियाँ, तो इन्हें भी हम खोलते हैं। अब्दुल्ला डंडा मुझे दे दो, आपने डरना नहीं है, कुछ नहीं कहते। दोस्तों मैं इसे डंडे से बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं सुबह काफ़ी देर से खोला हुआ था, शाम हो रही है, मैं ट्यूशन जाने का भी टाइम हो रहा है। तो इनको भी बंद करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा स्कूल हमारे खुल गए हैं, तो काफ़ी जो है ना मुश्किल होती है हमें। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मैं पढ़ता रहता हूँ और वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। तो ये हमारे सील मुर्गे हैं, तो इनके पास अच्छा खासा दाना भी नीचे पड़ा हुआ है, पानी के भी बर्तन दो दो पड़े हैं। और अब्दुल्ला रो रहा है नीचे से, मुर्गा क्यों खोला था। अब्दुल्ला जो कुछ नहीं कहता, दोस्तों ये क्या रो रहा है, इसे सील मुर्गे ने, हाँ इसे सील मुर्गे ने काटा भी था। तो दोस्तों अभी
इनको भी बंद कर देते हैं क्योंकि अजानों का टाइम हो रहा है। जी बंद दिया। वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल जानते प्रेमी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ कल एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। काम ने इधर एक क्यारी लगाई थी तो ये देखें, और दोस्तों उस क्यारी में से एक हमारा पौधा भी निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये वाटरमेलन का पौधा है और ये मैंने खुद नहीं लगाया, और अब्दुल्ला ने थोड़े से इसे टेढ़ा भी कर दिया। खैर ये सही हो जाएगा, तो मैंने इन्हें पानी भी लगा दिया तो अभी इधर से और भी ज़्यादा निकल आएंगे। तो खैर ये एक तो हमारा निकल गया, एक ही उग जाएगा काफ़ी हमारे लिए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी क्यारी है, तभी बंद कर दिलाई है। ये किसने दिलाई है? ये किसने दिलाई है? सुन लो, पापा ने।